पोंटी चड्ढा की हत्या हो गई है। पोंटी चड्ढा को भी गोली लगी थी, दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, ये जानकारी मिल रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत जुड़ गए। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल सुमेरा, जैसा आपने बताया कि पोंटी चड्ढा की भी मौत हो गई है, जो क्रॉस फायरिंग हुई थी। और जो अब पुलिस ने बताया है कि ये दोनों ही हरदीप सिंह चड्ढा और इनके जो भाई है पोंटी चड्ढा, दोनों की मौत हो गई है। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि आज जो पोंटी चड्ढा का जो फार्म हाउस है छतरपुर में, वहां पर कोई आपस में जो घर का जो संपत्ति का कोई बंटवारा था उसको लेकर कोई मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें हरदीप चड्ढा भी पहुंचे थे और पोंटी चड्ढा भी पहुंचे थे और भी लोग थे परिवार के, ऐसा पता चल पाया है। और उसी वक्त ही दोनों में गहमागहमी इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर दी है। ये अभी तक जो हमारी जानकारी मिली है कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की है, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई है, ये अभी तक जानकारी मिली है। पुलिस का सिर्फ इतना कहना है कि क्रॉस फायरिंग में जो हरदीप चड्ढा है। जी नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जानकारी आपको किस सूत्र से मिली है, कहां से जानकारी मिली है ये? नीरज से संपर्क हमारा टूट गया इस समय, लेकिन आपको बता दें कि ये जानकारी मिल रही है शुरुआती तौर पर कि आपसी झगड़ा हुआ, विवाद था पूरी जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर, और उस विवाद को लेकर एक मीटिंग बुलाई गई थी जो घर है मेहरौली में, छतरपुर में जो फार्म हाउस है पोंटी चड्ढा का, वहां हरदीप चड्ढा और पोंटी चड्ढा, हरदीप चड्ढा जो भाई है पोंटी चड्ढा के, वो दोनों मौजूद थे। इसके अलावा कुछ और लोग भी वहां मौजूद थे और आपस में जो विवाद है वो बढ़ गया, ये जानकारी अभी मिल रही है शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही है, और उसमें गोलीबारी हुई। हमारे साथ नीरज एक बार फिर जुड़ गए। नीरज, आपको ये जानकारी कहां से हासिल हुई? बिल्कुल, जो इस इलाके की यानी कि जो साउथ डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी हैं छाया शर्मा है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि इसमें जो क्रॉस फायरिंग हुई थी पोंटी चड्ढा के फार्म हाउस में, उनमें दोनों की ही मौत हो गई है। पोंटी चड्ढा की भी मौत हुई है और हरदीप चड्ढा की भी मौत हुई है। पुलिस का अभी तक लेकिन ये बात साफ नहीं है कि आखिरकार क्यों एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की है, लेकिन जो डीसीपी हैं इस इलाके की, इस डिस्ट्रिक्ट की, दिल्ली पुलिस का जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंतर्गत ये छतरपुर फार्म हाउस आता है पोंटी चड्ढा का, उनकी जो डीसीपी हैं छाया शर्मा, उन्होंने ये बात बताई है कि दोनों की ही मौत हो गई है, क्रॉस फायरिंग में हुई है मौत। लेकिन वजह क्या है, क्यों इनको मारी गई है, ये पता नहीं चल पाया है अभी तक। पुलिस का कहना है कि वो इसके बारे में अभी पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि कौन कौन लोग वहां मौजूद थे उस वक्त उस मीटिंग में जहां पर बुलाई गई थी। लेकिन जो हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि शायद दोनों का कोई संपत्ति बंटवारे को लेकर कोई बुलाया गई थी, मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें दोनों एक दूसरे से बैठकर बात करें, लेकिन उसी मीटिंग में शायद गहमागहमी इतनी बढ़ गई जिसकी वजह से ये फायरिंग हुई, दोनों ने फायरिंग की जिसकी वजह से मौत हुई है हरदीप चड्ढा और पोंटी चड्ढा दोनों की। जी नीरज, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस बीच एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी भी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, जो ताजा जानकारी मिल रही है वो ये कि दोनों भाइयों में विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबारी हुई जिसमें पोंटी चड्ढा की मौत हो गई, उनकी भी हत्या हुई। बिल्कुल, पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो पता चला है कि दोनों भाइयों के बीच में जो बिजनेस था चड्ढा परिवार का, ओवरऑल बिजनेस को सेपरेशन को लेकर पिछले काफी समय से बात चल रही थी, लेकिन बिजनेस के कुछ टर्म्स और कंडीशंस ऐसी थी सेपरेशन को लेकर जिसको लेकर दोनों भाइयों का आपस में विवाद हो रहा था, और इसी विवाद को सुलझाने के लिए आज ये दोनों भाई मिले थे। जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से बताया गया है उसके मुताबिक दोनों भाइयों ने आपस में फायरिंग की थी और दोनों ग्रुपों में जो फायरिंग हुई उसमें दोनों भाइयों की मौत हो गई है, हरदीप चड्ढा और पोंटी चड्ढा दोनों की मौत हो गई। पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों भाइयों की मौत हो चुकी है, और जो इन लोगों का झगड़ा चल रहा था, इनका जो ओवरऑल बिजनेस है जो उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक फैला हुआ है, देश के कई हिस्सों में फैला हुआ है, उस ओवरऑल बिजनेस सेपरेशन को लेकर इन भाइयों की मीटिंग चल रही थी। पिछले काफी लंबे अरसे से इनकी मीटिंग हो रही थी और ये पूरा बिजनेस जो है उस सेपरेशन को लेकर बंटवारा करना चाहते थे, लेकिन उस बंटवारे में कुछ पॉइंट्स ऐसे आ रहे थे जिस पर दोनों भाई एग्री नहीं कर रहे थे, जो पुलिस सूत्रों के मुताबिक पता चला है। और इनमें बाकायदा लिखा पढ़त भी होने की बात थी कि लिखा पढ़त के बाद तो ये लोग अपना बिजनेस सेपरेशन कर लेंगे, लेकिन दोनों भाई कुछ पॉइंट्स को लेकर तैयार नहीं थे। आज सुबह जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में तकरारें बढ़ने लगी और उस तकरारें बढ़ने के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे को पर फायरिंग की। इस फायरिंग में कुल तीन लोग आरंभिक तौर पर तो शुरुआत में घायल होने की बात हुई थी, लेकिन अब पुलिस आयुक्त ने खुद कंफर्म किया है कि हरदीप चड्ढा और पोंटी चड्ढा इन दोनों की मौत हो चुकी है और एक गार्ड अभी भी इंजर्ड है जो हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। बाकी जो मौके पर जो मौजूद लोग हैं, इसके अलावा जो पारिवारिक लोग हैं, उनसे पुलिस इंसिडेंट के बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश कर रही है। जी जी हाँ, ओम प्रकाश, क्या और कोई जानकारी हासिल हुई कि किस तरह से ये विवाद इतना बड़ा कि गोली बारी हुई और एक दूसरे पर गोली चलाई पोंटी चड्ढा और उनके भाई ने, और उनके साथ वहाँ और कौन कौन लोग मौजूद थे? जी, अभी तक जो पुलिस को इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिली है, जो तमाम पुलिस ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे हैं, जो इनिशियल पूछताछ हुई है जिसके भी पुलिस पुष्टि करने की कोशिश कर रही है उन तमाम बातों की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह आई है
कि चड्ढा फैमिलीज का जो बिजनेस था जो पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश से लेके और भी कई जगहों पर फैला हुआ है, जिसमें तमाम चीनी मिले हैं, जिसमें शराब का कारोबार है और भी तमाम बिजनेस हैं जो फैले हुए हैं, उसके और बिजनेस को लेकर सेपरेशन को लेकर इन भाइयों के बीच में बात चल रही थी। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, कुछ फैक्ट्रियां ऐसी थी, कुछ जगह ऐसी थी जिनको लेकर दोनों भाई एग्री नहीं हो रहे थे और दोनों भाई एग्रेसिव हो चुके थे। पुलिस को जो अभी तक जानकारी मिली है, इनके जो मौके पर मौजूद लोग हैं या और भी उनके इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हैं उनसे जो इनिशियल पूछताछ हुई उसमें पता लगा कि दोनों भाई कुछ मुद्दों पर एग्री नहीं हो रहे थे और इसी को निपटाने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन मीटिंग के दौरान ये तकरार हुई और तकरार के दौरान गोली चली। पुलिस वहां पर जो मौजूद लोग हैं, क्योंकि उसमें जो घायल है सबसे महत्वपूर्ण गवाह वो है क्योंकि वो मौके पर मौजूद था और उसको भी गोली लगी है। हालांकि पुलिस गार्ड को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और गार्ड फिलहाल होश में आया बताया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि गार्ड फिलहाल होश में आया बताया गया, उससे इनिशियल इन्फॉर्मेशन लेने की थोड़ी देर में कोशिश की जाएगी कि आखिर वास्तव में इंसिडेंट क्या हुआ था, जिसकी ऐसी कौन सी बात हुई जिसमें तकरार इतनी बड़ी कि दोनों भाइयों ने आपस में गोलियां चला दी और दोनों मारे गए। लेकिन परिवार के जो अन्य लोग हैं और जो कंपनी के अन्य पदाधिकारी हैं उनको भी उनसे भी पूछताछ की जाएगी और उनको भी बुला पुलिस कॉल कर रही है। लेकिन जो फिलहाल इनिशियल पुलिस को पता लगा है उसके मुताबिक ओवरऑल बिजनेस सेपरेशन को लेकर दोनों भाइयों में तनाव हुआ, तकरार हुआ और गोली चली, अल्टीमेट दोनों मारे गए। जी ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें एपीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर यह कि पोंटी चड्ढा की हत्या हो गई है। पोंटी चड्ढा की हत्या, भाई के साथ जो विवाद था उनका, उसमें गोली चली। पोंटी चड्ढा के भाई की भी हत्या हुई है, हरदीप चड्ढा की और पोंटी चड्ढा की भी हत्या हुई है, एक दूसरे पर गोली चलाई, ये बताया जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है। पुलिस ने यह जानकारी दी है, जो फार्म हाउस है मेहरौली में पोंटी चड्ढा का, वहां पर जो संपत्ति विवाद है उसे सुलझाने के लिए बैठक हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, जिसके दौरान विवाद इतना बढ़ा कि गोली चल गई। और हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी लगातार बने हुए। ओम प्रकाश, आपसे एक बार फिर से सिलसिलेवार ढंग से जानना चाहेंगे कि आज क्या कुछ हुआ पोंटी चड्ढा के फार्म हाउस पर। देखिए पोंटी चड्ढा और उसके भाइयों के बीच, भाई के बीच में ये बिजनेस का जो ओवरऑल सेपरेशन है, मैं आपको बता दूं कि चड्ढा फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस है, पंजाब से लेके पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में फैला हुआ है। उसमें कई तरह के बिजनेस हैं, जिसमें शराब बिजनेस है, जिसमें उनके चीनी मिल शराब बिजनेस है और भी तमाम उनका जो है प्रॉपर्टीज का बिजनेस है और तमाम भी कई बिजनेस हैं जो चड्ढा फैमिलीज के हैं। इस पूरी ओवरऑल फैमिली को में जो बिजनेसेस हैं उसके सेपरेशन को लेकर दोनों भाइयों में बातचीत चल रही थी। पिछले कई राउंड की बातचीत दोनों भाइयों में हो चुकी थी। पुलिस को जो इनिशियल पता लगा है, मैं आपको बता दूं कि उसमें कई राउंड की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिस पर दोनों भाई एग्री नहीं कर रहे थे इस ओवरऑल बिजनेस सेपरेशन को लेकर। कुछ फैक्ट्रियां, कुछ जमीनें, कुछ और महत्वपूर्ण बातें थी जिस पर दोनों भाई एग्री नहीं कर रहे थे। अल्टीमेट इस मीटिंग को आज इसलिए रखा गया, दिवाली के बाद मीटिंग रखी गई थी कि इसमें दोनों भाई मिलेंगे और उसके बाद जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुलिस सूत्रों का जो मानना है, पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि आज दोनों भाई यहां पर मिले और दोनों के बीच में तकरार बढ़ी और तकरार के दौरान दोनों ने गोलियां चलाई और उस दौरान दोनों भाई हरदीप चड्ढा और पोंटी चड्ढा दोनों ही मारे गए। उसमें एक गार्ड वहां पर घायल भी हुआ, लेकिन वो वहां पर मौजूद जो पुलिस को, मैं आपको बता दूं जो इनिशियल तौर पर वहां पर जो डॉक्यूमेंट थे वो वहां पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला है पुलिस को जिससे पता लग सके कि इस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने को कोई तकरार हुई थी। दोनों भाइयों को चूंकि बिजनेस के कई पॉइंट्स आपस में पता थे, दोनों को ये पता था कि बिजनेस में कहां पर कितना पैसा लगा हुआ है, कौन सा बिजनेस फायदेमंद है और कौन सा बिजनेस कैसा है, इन सारे पॉइंट्स को दोनों भाइयों को भली बात टिप्स पर हो सकता है रहा हो क्योंकि दोनों भाई बिजनेस संभालते रहे होंगे। तो दोनों भाई इस बिजनेस की जो आपस की सेपरेशन को लेकर ही आज मिले थे और इस दौरान बात इतनी बढ़ी कि दोनों हो सकता है कि दूसरे पर आपा ना रख पाए और दोनों ने गोलियां चला दी। इस दौरान जो गार्ड घायल हुआ है, मैं आपको बता दूं गार्ड फिलहाल होश में आने की बात की जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उसे थोड़ा होश में है तो उस होश आवास में जो गार्ड है उससे पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है कि लास्ट इंसिडेंट पर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते दोनों भाइयों ने गोली चलाई। लेकिन इनिशियली तौर पर पुलिस सूत्रों का मानना है कि ओवरऑल बिजनेस सेपरेशन को लेकर दोनों भाइयों में तकरार हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद गोली चली और अल्टीमेट दोनों भाई मारे गए। क्या समय के बारे में भी पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि किस समय ये गोलीबारी हुई? हाँ, तो ये जो पुलिस कंट्रोल रूम को जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक 1 बजे से 1:30 बजे के बीच का ये वाक्य बताया जा रहा है, यानी कि अब से लगभग 1.25 घंटे पहले का वाक्य बताया जा रहा है, 1 से 1.5 बजे का बीच का वाक्य बताया जा रहा है कि 1 बजे से 1.5 बजे के बीच में ये वाक्य हुआ। और उसके चूंकि पुलिस कंट्रोल रूम को जो इनिशियली इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें कहा गया था कि पोंटी चड्ढा के फार्म हाउस पर गोली चली है, गोली, और उसमें ये नहीं कहा गया था कि किसी ने गोली चलाई है, गोली किसे लगी है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां पोंटी चड्ढा और उनके भाई दोनों ही घायल अवस्था में थे, इसके अलावा गार्ड भी घायल अवस्था में था। पुलिस ने जब इन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया तो इन दोनों को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि गार्ड अभी भी घायल अवस्था में है। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस को इनिशियली ये इन्फॉर्मेशन 1 से 1.5 बजे के बीच मिली थी।